हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कोण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले कोण के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद फिर उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोण की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कोण किसको कहते हैं? दो किरणों के उभयनिष्ठ अंत बिंदु के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। अर्थात इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि जब दो किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं या दो किरणों का अंत बिंदु एक ही होता है, तो उसे जो उनका झुकाव बनता है उसी को हम कोण कहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। तो दोस्तों, कोणों के प्रकार में कोणों के कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले उसमें है पहला शून्य कोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा समकोण, चौथा अधिक कोण, पाँचवा ऋज कोण, छठवा बृहत कोण, सातवा पूर्ण कोण। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ कोण और होते हैं जिनको हम संयुग्मी कोण कहते हैं या हम उनको कोण युग्म भी कहते हैं। तो उन कोण युग्मों को भी हम जान लेते हैं। तो उन कोण युग्मों को कहते हैं पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संलग्न कोण। तो दोस्तों, इसके बाद हम अलग अलग सबकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शून्य कोण की परिभाषा पढ़ेंगे। तो शून्य कोण क्या है? वह कोण जो शून्य अंश का होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण वह कोण है जो माप में शून्य अंश का हो, तो उसी को हम शून्य कोण कहते हैं। तो शून्य कोण अपने ही स्थान पर ही रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण है जो शून्य अंश से अधिक होता है और 90 अंश से कम होता है, तो ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरह आप याद कर सकते हैं, जिसकी माप शून्य अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, तो ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे समकोण। तो समकोण किसको कहते हैं? वह कोण जिसका माप 90 अंश का हो, तो ऐसे कोण को समकोण कहते हैं। समकोण अर्थात जो 90 अंश का हो, तो उसी को हम समकोण कहेंगे, समकोण। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण है जो 90 अंश से अधिक हो किंतु 180 अंश से कम हो, तो ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण में आप बता सकते हैं जैसे 91 अंश का है, 98 अंश का है, 179 अंश का है, लेकिन वह 180 नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋज कोण। ऋज कोण क्या है? वह कोण जिसकी माप 180 अंश का हो, तो ऐसे कोण को ऋज कोण कहते हैं। ऋज कोण को हम कह सकते हैं कि यह दो समकोण का भी होता है। दो समकोण अर्थात 90 × 90, 90 × 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 180 अंश से अधिक हो किंतु 360 अंश से कम हो, तो ऐसे कोण को बृहद कोण कहते हैं। इसके लिए आप उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे 181 अंश का कोण हो, 289 अंश का कोण हो, इस तरह से कोणों को हम कहेंगे। इसके बाद आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसको कहते हैं? पूर्ण कोण वह कोण होता है जो 360 अंश का होता है या चार समकोण का होता है। तो पूर्ण कोण की परिभाषा आप इस तरह बता सकते हैं कि वह कोण जिसकी माप 360 अंश या चार समकोण के बराबर होता है, तो ऐसे कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण वह कोण होता है जो जब दो कोणों का योग 90 अंश का हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसे पूरक कोण भी कहते हैं और इसे हम कोट पूरक कोण भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे समपूरक कोण। तो समपूरक कोण वह कोण होता है जिसका
जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तरह बताना चाहें, एग्जाम्पल लेकर के, तो जैसे एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा इसका कोण कितने अंश का होगा, 150 अंश का होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।